ভাল লাগে হাঁটতে তোর হাত ধরে, ভাবনা তোর আসছে দিন রাত ধরে, ভাল লাগে হাঁটতে তোর হাত ধরে, ভাবনা তোর আসছে দিন রাত ধরে, এলোমেলো মনটাকে কি করে খেয়াল রাখি, কেন আমি এত করে তোকে চাই, পারবো না আমি ছাড়তে তোকে, পারবো না আমি ভুলতে তোকে, পারবো না ছেড়ে বাঁচতে তোকে, হয়ে যা রাজি একবার, ভাল লাগে চাইলে তুই আর চোখে, চাইছি তোর ওই দু চোখ আর তোকে, ভাল লাগে চাইলে তুই আর চোখে, চাইছি তোর ওই দু চোখ আর তোকে, এলোমেলো দিস করে সারাটা দুপুর ধরে, বসে বসে উড়ে চলি কল্পনায়, পারবো না আমি ছাড়তে তোকে, পারবো না আমি ভুলতে তোকে, পারবো না ছেড়ে বাঁচতে তোকে, হয়ে যা রাজি একবার। হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, হাই চ্যানেল। তো জি, হাম আ গে হ্যাঁ, আর আজ কি রিডিং হাম আপ লোগো কে লিয়ে লেকার আয়ে হ্যাঁ। টপিক রহেগা রেগুলার জো কি হোতা হ্যায়, মতলব টপিক সেই আপকো পতা চল জায়েগা, টপিক তো হাম ডিসক্রিপশন মে তব ডালেঙ্গে জব রিডিং নিকল কর আয়েগি, ঠিক হ্যায়। আর ইয়ে জো হ্যায় ওহি র্যান্ডম রিডিং হ্যায়, পতা নাহি হামকো র্যান্ডম রিডিং করনে কা বহুত আচ্ছা লাগতা হ্যায়, ইসসে জো হ্যায় এক ক্ল্যারিটি মিল জাতি হ্যায় কি চল ক্যা রাহা আপকি জিন্দগি মে, ঠিক হ্যায়। তো পহলা কার্ড জো হামে ইয়াহ পে দিখাই দে রাহা হ্যায় থ্রি অফ ওয়ান্ডস, ঠিক হ্যায়। तो किसी ने बहुत सारा पेशेंस रखने के बाद समय को भली भांति जो है समझने सोचने समझने के बाद चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का जो है प्लान बनाया है। तो ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें तभी दिखाई दिया है, ठीक है। तो किसी ने ओके, इसके नीचे सबसे नीचे जो कार्ड है, क्योंकि इसके नीचे का कार्ड हमें ये मिला है, सबसे नीचे बॉटम में ये इधर था, तो ये जिसकी भी एनर्जी है वो ये पर्सन है, ठीक है। एम्परर आपकी लाइफ से जुड़े कोई पर्सन हो सकते हैं, और जो काफ़ी अभी क्या बोलते हैं उसको, स्टबर्न मोड में है, बिल्कुल एकदम अथॉरिटेटिव पोजीशन में बैठे हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि इनका हुक्म जो है सर आँखों पे रखा जाए, ठीक है। लेकिन कुछ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की हमें जो है चीज़ें ऐसा लग रहा है, बाकी आगे तो आपको पता है, रीडिंग में पता चलेगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक कर सकते हैं आप, ठीक है, और उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। सेम डे डिलीवरी के जो है पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, आपको पता है हम सेम डे ही डिलीवर करते हैं रीडिंग, लेकिन वही है कि जब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि पता है रीडिंग्स करने में टाइम लगता है, एनर्जी कंज्यूमिंग होती है रीडिंग्स, साथ ही वक्त लगता है कार्ड्स, ठीक है, रीड करने में, एनर्जी क्लेंजिंग में, उसके बाद हम आपको रीडिंग डिलीवर करते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। और जो लोग कॉल पे रहते हैं उनको भी पता है कि समय लगता है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, तो उसके लिए पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं कि हाँ, बुकिंग्स अभी ओपन है, तो आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं गणेश चतुर्थी का, क्योंकि पर्सनल पेड रीडिंग्स का अलग लेवल होता है, आपको पता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम रीडिंग करते हैं, और आप हमें जो है मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल पे, ठीक है। तो मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया जाएगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहे हमारे एंजल विंग्स कल हमको बताया था ना, पॉजिटिव बाबा जी ने बताया था कि ये आपके सींग नहीं है, ये आपके एंजल विंग्स हैं, वॉट एवर। हमें बड़ी हंसी आई थी, पता है कल बहुत हंसी आई थी, कल हम पूरे टाइम रीडिंग में हंसी तो रहे थे ऐसे बहुत फ़नी रीडिंग थी कल।
मतलब होता है ना कि आप लोगों से मिलते हैं, आप मतलब एकदम लाइव होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी आप लोगों से ना एनर्जी हमें मिलती रहती है, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए हम जो है फ्रीक्वेंट लाइव आने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट महीने में 2 या 3 बार हम लाइव आएँ, ठीक है। हालांकि कल लास्ट, इस सितंबर का लास्ट लाइव रहा, अब हम आपको अक्टूबर में ही मिलेंगे लाइव, और हम आपको बता देंगे, क्योंकि आप तो कम्युनिटी पोस्ट तो आप देखते नहीं हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आना पड़ता है कि भाई हम लाइव आ रहे हैं, है ना, तो वीडियो पे ही, वीडियो के माध्यम से ही हम आप तक पहुँचा देंगे। तो फिलहाल जो है हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसकी एनर्जीज आ रही हैं और क्या है, क्या चल रहा है, क्या जानने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। एक दिन रीडिंग नहीं आई तो आप लोग बिल्कुल पगला जाते हैं, नहीं मतलब इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं मेल पे भी, आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, और यूट्यूब पे भी कुछ लोग जो है कमेंट्स करते रहते हैं कि आपकी वीडियो नहीं आएगी क्या आज, तो वीडियो है ना। तो कल यार लाइव आए थे, 2 घंटे बैठे थे, हमारा थोबड़ा बहुत लोगों ने देख लिया कल, तो मतलब वीडियो आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है, कल आए तो थे ना हमारे, कल तो वीडियो एक अपलोड हुई थी, तो है ना, डोंट वरी, आज आ गए हैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके, ठीक है। करंट फीलिंग्स नहीं है, लेकिन अगर होगा तो हम बता देंगे आपको, पता चली जाएगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल हम चेक कर रहे हैं कि रैंडम एनर्जीज आप लोगों से जुड़ी हुई, ठीक है। तो आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या चल रहा है, बेसिकली ये हम पता करना चाहते हैं, ठीक है। और ज़रूरी बात, सबसे ज़रूरी बात, हर बात की एक बात, 2023 में जस्टिस आ रहा है, कर्मा देवता पधार रहे हैं, कर्मा देवता पधार रहे हैं बोला, और ये टावर का कार्ड गिरा। बहुत लोगों की लाइफ में कर्मा देवता पधार चुके हैं, मुबारक हो। और वैसे भी हम बोलते रहते हैं कि आ गए हैं, आ रहे हैं, लेकिन टावर का कार्ड है, बहुत लोगों की लाइफ में तो कर्मा देवता पधार चुके हैं और अच्छे से जो है क्लास ले रहे हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या है, किसकी रीडिंग है, पता नहीं। किसी की लाइफ में भयंकर गतिविधियाँ चल रही हैं, भयंकर मतलब भयंकर, और गतिविधियाँ मतलब गतिविधियाँ समझ जाते हैं ना आप लोग, तो समझ जाते हैं, हमारी बात समझ जाते हैं ना। वैसे आज हमने बंगाली गाना गाया है, कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट हमारी रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, तो हमने बंगाली में गाना गाया है आज, ठीक है। देखते हैं ये कार्ड आया है, कार्ड आया है 4 of Wands। अच्छा, बहुत कोशिश की किसी ने रिलेशनशिप को ख़त्म करने की, बहुत कोशिश की, शायद कोशिश कुछ लोगों की इन्फ्लुएंसेस से ये कोशिश जारी भी है रिलेशनशिप को ख़त्म करने की, शादी भी हो सकती है, बट ये फेविकॉल का जोड़ा है, टूटेगा नहीं, पक्का नहीं टूटेगा, मतलब ये शादी नहीं टूट सकती। 6 of Pentacles, ठीक है भाई, कोई अपने करनी भोग रहा है, करनी जो जो किया है उसको वो मिल रहा है, कर्मा। अभी हम दोपहर को सो रहे थे और हमें कर्मा का ही सपना आया था, पता नहीं क्या अजीब सा सपना था, कुछ याद नहीं है, भूल गए, लेकिन सपने में कर्मा ही था, जो भी था कर्मा, इट वॉज रिलेटेड टू कर्मा, पता नहीं हमें ऐसा सपना क्यों आया, लेकिन आज आया दोपहर को। एक कार्ड और आया है, देखते हैं क्या है। द एम्परर पहले भी आया था, ये किसी की एनर्जीज हैं, ठीक है, आपसे जुड़े हुए किसी पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन ये जो भी पर्सन है बड़े बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, ये आपके पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि इगोइस्टिक पर्सन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हुक्म परस्त लोग हैं ये, और लेकिन बहुत मैच्योर हैं, ठीक है, काफ़ी मतलब हो सकता है कि आपके बड़े बुज़ुर्ग हो, जैसे होता है ना घर के बड़े फादर फिगर, फादर इन लॉ, किसी का रिलेशन घर तोड़ने की बहुत कोशिश की है, पता नहीं ये क्या चल रहा है, कैसी कैसी रीडिंग निकल के आती, कभी कभार हम खुद हैरान परेशान हो जाते हैं,
लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग निकल कर आई है, किसी ने किसी का घर तोड़ने की बहुत कोशिश की है। यहाँ पे बोला था ना हमने, कितने दिनों के बाद आया ये कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, कितने टाइम के बाद आया, 10-10 हमने देखा इसी के साथ। तो एक फेज कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीशन के बाद न्यू बर्थ होने के बहुत आसार हैं, ठीक है। चीज़ें दोबारा से रीस्टार्ट होंगी फ्रेश बिगिनिंग के साथ, क्योंकि 2023 में जस्टिस मिलेगा ना आपको। तो पूरी तरीके से जो है लाइमलाइट पे सब कुछ आने वाला है, हिडन नहीं रहेगा। मतलब हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें अब जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको खुद चकाचौंध में आपको दिख जाएंगी। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, हालांकि ये कार्ड फ्लिप हो गया है तो हम लेंगे। ये कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का, और हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो है ये कार्ड्स इस तरीके से गिरे हैं जो कि हम नहीं लेंगे। और ये इतने सारे कार्ड्स आपको पता है हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसको हम वापस से ऐसे ही रख देंगे। और ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है तो इसको हम लेंगे। 11-11 देखा हमने, बोला ना जजमेंट का, जस्टिस का टाइम है तो है, आप माने या ना माने, यूनिवर्स और भगवान जी जो है क्या बोलते हैं, किसका कोई पंकज जी है ना, वो मैसेज करते हैं कि उसका किसका भगवान जी है, भगवान भगवान करने वाला भटकता है। हाँ तो ठीक है ना, दुनिया में आए हैं कुछ तो करना ही है, तो भटक लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये दिख रहा है आपको, स्टार का कार्ड है, यहाँ पे टावर के नीचे स्टार, जजमेंट, जस्टिस और जजमेंट। हमको आज इंट्यूटिवली लगा था कि आएगा, बताना भूल गए थे। और इसी के साथ जो कार्ड हम एक और सोच रहे थे तो वो भी आ गया है, सोच रहे थे, बताना चाहते थे लेकिन नहीं बताया था, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्टार के तुरंत बाद। किसी की मेहनत जो है ख़राब हो गई है, ख़राब मेहनत, ये ख़राब चीज़ों में मेहनत करेंगे तो ख़राब तो होनी है ना। किसी ने किसी को जुदा करने की बहुत कोशिश की, नाइन ऑफ कप्स, ठीक है, स्टार भी है, नाइन ऑफ कप्स भी है। भाई ये रिलेशनशिप का ही मैसेज आया है यहाँ पे, रिलेशनशिप की ही रीडिंग आई है, कोई करियर वरियर का कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये ऊपर लिखा हुआ है रिलेशनशिप, और किसी को भयंकर कर्मा मिल रहा है, स्टार्ट हो गया है। और जो भी पर्सन ये हैं जिसकी रीडिंग यहाँ पे निकल कर आई है, इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत भयंकर तूफान चल रहे हैं इस वक्त। वो इसलिए क्योंकि टावर का कार्ड पहला कार्ड था, ये कार्ड शायद गिरेगा, बट अगर गिरना होगा तो गिरेगा, मैंने बोला ना गिर जाएगा। मैजिशियन, अच्छा तो ये भी चल रहा है, एम्परर के नीचे मैजिशियन है यहाँ पर। देखिए बहुत सारी साजिशें इन्वॉल्व्ड हैं यहाँ पे मैजिशियन के साथ, जो बुरी गतिविधियाँ होती हैं, बुरी गतिविधियों से आप समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं, बुरी गतिविधियाँ यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है। तो स्पेल, मैजिक, ब्लैक मैजिक वगैरह यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। एम्परर के ठीक नीचे आया है, ठीक है, एक और कार्ड आया है, क्या है ये, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, वो भी थ्री ऑफ सोर्ड्स के जस्ट नीचे आया है, ठीक है। अब सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, आखिरी कार्ड लेंगे उसके नीचे क्या है, और हम फिर बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। डेथ और टेम्परेंस का कार्ड नहीं आया आज, जस्टिस, जजमेंट, जजमेंट देखा था ना मैं। बहुत सन 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 सनी वाइब्स आ रही है हमें, पता है क्यों, बहुत येल्लो येल्लो हो रखा है यहाँ पे, मतलब काफ़ी पॉजिटिव सा आउटकम दिखाई दे रहा है।
आया आया आया, दो कार्ड आ गए हैं, बॉटम भी देख लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ पे दो कार्ड आए हैं जिसमें कि एक कार्ड से हमें भयंकर गुस्सा आता है जिस कार्ड को देख के, और यहाँ पर एक और कार्ड आया है। ओके, तो ये सब चल रहा है, ब्लैक मैजिक तो डेफिनेटली इन्वॉल्व्ड है, डेविल, ठीक है, और सेवन ऑफ सोर्ड्स। कोई यहाँ पे किसी को किसी से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिसको ज़बरदस्ती आपकी तरफ आने से रोका जा रहा है, आपसे दूर किया जा रहा है, आपके पीठ पीछे बैक स्टैबिंग चल रही है, गॉसिप्स चल रही है, आपके बारे में बुरा भला बोला जा रहा है, ठीक है। आपके बारे में आपके जो शायद आपके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, ठीक है, ये मतलब कैरेक्टर से आप समझ रहे हैं, मतलब बोला जा रहा है कि शायद आप इनके अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है। होता है ना कि ये तो भाई बहुत लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट है इनका, बहुत सारे इनके अफेयर्स हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, और ये जो भी पर्सन है बहुत 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 बुरी गतिविधियों में लिप्त है। इस पर्सन का खुद का कैरेक्टर ख़राब है, ठीक है। ये पर्सन डेविल की एनर्जीज में है, यानी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और आपके पर्सन को आपसे दूर रखने की ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं जो भी पर्सन है। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, पहले ही बता रहे हैं, या फिर इनके घर वाला ही कोई हो सकता है इस पर्सन के, जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, वो इस पर्सन को भड़का रहे हैं, आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि कर्मा देवता ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक है। आप लोग प्रोटेक्टेड हैं और आप लोग जो है खुदा के नेक बंदे हैं, तो आप लोगों के साथ कुछ अन्याय तो होने से रहा। हालांकि ये जो पर्सन है जो ये बुरी गतिविधियां कर रहे हैं, इतनी साजिशें और इतने षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके प्लान्स यहाँ पे हमें फेल होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी है साथ में, ठीक है। और ये जो डेविल है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे है, तो ऊपर तो विक्ट्री है, लेकिन वही है कि डेविल कोशिश पूरा कर रहा है कि चीज़ों को अपने वश में ले और आपको आपके पर्सन से दूर रखा जाए, लेकिन ये चीज़ें हो नहीं रही हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक, एक मिनट हम ठीक से उठा लेते हैं, पहले बड़ा दिक्कत होता है एक्चुअली। हमने आज सुबह सुबह ही जो है हमने अपने बाकी बच्चे कुछ नेल्स भी खा लिए तो जी बिल्कुल भी नेल्स नहीं रहे हमारे, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, हम आपको दिखा देते हैं, हम झूठ, आपको लगता है ना हम झूठ बोलते हैं, तो ये हमारे नेल्स ऐसे हैं जो कि हमारे बिल्कुल जो स्किन है वो भी ऑलमोस्ट, हमने स्किन भी यहाँ से खा रखी है और बहुत कम है, दोनों हाथों के देख लीजिए आप, ये हमारे नेल्स हैं, तो इस तरीके से जो है हम कार्ड को नहीं उठा पाते हैं। तो ये रहा वो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर मजीशन और ये भी है, नाइन ऑफ कप्स भी है, ठीक है। पता नहीं, अंधेरे के बाद एक सूरज की रोशनी के उगने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादातर कार्ड्स येलो है। हालांकि है यहाँ पे दूसरी एनर्जीज भी हैं, जैसे टावर है, ब्लैक ब्लैक है, डेविल है, ठीक है, उसके बावजूद भी जो येलो है वो एक अलग ही ऑरा लेके जो है दूसरे कलर्स को दबाते हुए ये कलर बहुत ज़्यादा उठ के उभर के आ रहा है, ठीक है। ये आपके जो पर्सन है वो आपसे जो दूर धीरे 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 जो ये कटाव है ना, जो बोलते हैं ना अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये हम
साइंस में पढ़ते थे ना, फिजिक्स में, किसमें अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो भी है, पता नहीं क्या ही बोल रहा है, याद आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, जो भी आप ले लीजिएगा, रेजोनेट कर लीजिएगा। तो आपको इस पर्सन को जो जो आपके पर्सन है उसको आपसे ना धीरे 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 कट किया जा रहा है, आपसे अलग किया जा रहा है। और ये पर्सन जो भी है, इस पर्सन की ज़िंदगी का कोई इंसान है, आपके आपके लाइफ में ये पर्सन नहीं है जो ये क्रियाकलाप कर रहा है, इस पर्सन के लाइफ में ये पर्सन हो सकता है, हो सकता है तो कोई इनकी कोई रिलेशनशिप में, जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है, बोला ना मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो इनके साथ अगर कोई रिलेशनशिप में है तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो इनको भड़का रहा है आपकी तरफ से आने से रोकने की कोशिश, या फिर इनके घर के कोई बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं जो इनको जो है पूरी तरीके से रोक रहे हैं कि हम इस रिलेशनशिप को नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन इस शादी को कोई तोड़ नहीं सकता है, या अगर आप शादीशुदा हैं तो, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं तो भी इस रिलेशनशिप को कोई तोड़ नहीं सकता है। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे कि क्रश के लिए ये रीडिंग है, तो डेफिनेटली क्रश के लिए भी रीडिंग है। आप किसी के लिए अपने मन में जिसके बारे में सोच रहे हो, तो आपके क्रश की लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ इस पर्सन को आने से बहुत रोकने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं इस समय। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। स्पेल वर्क्स और ये ब्लैक मैजिक्स वगैरह डेफिनेटली इन्वॉल्व्ड है। हमें आज इस रीडिंग के बाद क्लेंजिंग करनी पड़ेगी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम, मतलब बोलते हैं ना, सो कर ही उठे ऑलमोस्ट, थोड़ी देर पहले मतलब क्या, दोपहर को, आपको पता है ना कि बंगालीज का जन्मसिद्ध अधिकार है दोपहर को खाना खाने के बाद सोना। बाकियों का पता नहीं, नो ऑफेंस, प्लीज़ कमेंट करके ये मत बोलेगा कि ऐसा नहीं है, बट हमारे लिए ऐसा है, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं। तो ये हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात है, तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, दोपहर को खाना खा के सोना। तो हम सोए थे, तो अभी काफ़ी गहरी नींद के बाद ही हम उठे हैं, और हमें इस टाइम नींद नहीं आती है। रात को 2-3 बजे तक हम जग रहे होते हैं, पता नहीं नींद नहीं आती है, लेकिन अभी हमें फिर से नींद आ रही है, इतना हैवीनेस फील हो रहा है, एकदम से आलस सा आ रहा है, आलस, आप समझ रहे हैं ना, आलस आ रहा है। तो ये हैवी एनर्जी, हमें क्लेंजिंग करनी पड़ेगी सेज बंडल से। तो रोज़ कुछ ना कुछ पता चलता है, ये तो है, मतलब कुछ ना कुछ पता चलता है कि हाँ, बिहाइंड द सीन्स, बैक ऑफ द कर्टेंस चल क्या रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, तो ये चल रहा है, कुछ तो पता चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है आपको पता है, यहाँ पे पता ही होगा, हमें क्या बताने की ज़रूरत है, इतना एनर्जी मत वेस्ट कराइए, वैसे ही हमको जो है नींद आ गया है। लेकिन हम फिर भी बताएंगे, जो सबसे बड़ी बात ये है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कर्मा देवता आ रहे हैं, आ चुके हैं, ठीक है, कई लोगों की ज़िंदगी में तो आ चुके हैं। और आपको पता है, सबके पास एक एक करके जाना, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है कर्मा देवता का, ठीक है, तो पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है आपको। देखिए, ये रिलेशनशिप ना आप अपने माथे पे यहाँ पे लिखवा के आए हैं, जैसा वो फिल्मों में होता था ना, मेरा बाप चोर है। तो ये जो पर्सन है ना, जो आपसे भाग रहा है, एक टाइम पे ये भी अपने माथे पे लिख लेंगे ऐसे। मतलब इनका बाप चोर नहीं है, मतलब जो भी है, समझ लीजिए, जो पर्सन इनको जो है इतना डोमिनेट कर रहा है, इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है, थर्ड पार्टी वगैरह कोई भी हो सकता है, तो वही आप समझ लीजिए ना हम क्या कह रहे हैं यार। हम तो कुछ भी बोलते हैं, आपको तो पता ही है, हम तो बकवास हमारी नॉन स्टॉप चलती है, ख़त्म नहीं होती है। तो लेकिन यहाँ पर स्टार का कार्ड है, स्टार है, एक मिनट, नेल्स की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, 9 ऑफ कप्स है, ठीक है, मैजिशियन है, ठीक है, दिखा रहे हैं हम आपको कुछ चीज़ दिखा रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। तो ये आप देख सकते हैं ये कार्ड्स क्या हैं और क्या कह रहे हैं आपको,
समझ आ रहा होगा आपको। देखिए ये आपकी दुनिया ज़िंदगी भर की आपकी मेहनत है, ठीक है। ये रिलेशनशिप ज़िंदगी भर का आपकी पूंजी है, ठीक है, जिसकी एक नई शुरुआत दोबारा से होती हुई हमें दिखाई दे रही है और वो भी अनएक्सपेक्टेड होगी। टावर का कार्ड है, हालांकि इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत तूफान चल रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जब अचानक से चीज़ें बेहतर होने लगेंगी तो आपकी ज़िंदगी में भी ये टावर मोमेंट आएगा। परेशान होने का नहीं, मतलब वो होता है ना, ये टावर मोमेंट तब भी आता है जब आप अनएक्सपेक्टेड और ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, विचलित होना, वही है ना जो इतनी खुशी तो ये जब आएगा ना तो आंसू आएंगे आपके यहाँ से, खुशी के आंसू जिसे बोलते हैं। तो ये दिल भी उन लोगों का जो है टूट के बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगा जो आपको इस पर्सन से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये स्टार्स, ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है, नेगेटिविटी ज़्यादा टाइम तक चीज़ें नहीं चलती हैं, बुरी चीज़ों के ऊपर जो है अच्छाई हमेशा भारी पड़ती है, अच्छाई का पलड़ा हमेशा जो है वो एक वो ऊपर ही रहता है और बुरी चीज़ें हमेशा नीचे दबी जाती हैं। भले ही कुछ समय के लिए ऊपर आता है लेकिन अल्टीमेटली ऊपर भारी पलड़ा जो होता है वो अच्छाई का ही रहता है। तो कितनी भी नेगेटिविटी कोई कितना भी फैला ले, पॉजिटिविटी के साथ जो है आपको जीत हासिल करनी है और आप जीतेंगे भी। और इस रिलेशनशिप में कोई मेहनत करे या ना करे, ठीक है, आपकी मेहनत जो है, आपने इस रिलेशनशिप में जितना इन्वेस्ट किया है उसका फल आपको मिलेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, जितना भी आपने यहाँ पे इसको रिलेशनशिप को पॉलिश करने में, इसको हार्ड बनाने में, ठोक ठोक के लोहे को पीट पीट के उसकी मजबूती, उसको हार्ड बनाते हैं ना जैसे, तो वो आपने जितना भी इस रिलेशनशिप को इन्वेस्ट किया है, जितना भी इस रिलेशनशिप में आपने दिया है, वो इतना यहाँ से जाके बिल्कुल ऐसे ग्रो होता हुआ ऊपर आएगा। और ये जो बुरे लोग हैं, इनके जो थोबड़े हैं उस पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। इनकी जो ज़ुबान है, वो जो चिक 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 करती है ना, वो एकदम बंद हो जाएगी, क्योंकि कर्मा देवता की लात इन्हें पड़ेगी, ठीक है। और ये जो भी बड़े बुज़ुर्ग अगर हैं, कोई घर का बड़ा अगर पर्सन है, तो देखिए एम्परर है, इनके जो है जोड़ों में और घोड़ों में बहुत दर्द होने वाला है, हैं इतना जो है ना छुटपुट जो पाप होते हैं वो इन पे भारी पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। धीरे धीरे ये दांतों में दर्द, आँखों में दर्द, कानों में दर्द, है ना, और क्या बोलते हैं, बैक पेन, है ना, बताया ना हमने आपको, ये छोटी छोटी चीज़ों से जो है कर्मा देवता इनको पनिशमेंट देंगे। और उसके बाद भी अगर ये नहीं सुधरते हैं तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। हमने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में भी, ये इससे पहले कि तशरीफ के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, अपना तशरीफ लोग संभाल लें, ठीक है, संभालने का वार्निंग तो देखिए आ गया है, अल्टीमेटम तो आ गया है, सायरन बज गया है डेंजर का, लेकिन वही है कि लोग सुनते नहीं हैं, जो लतखोर होते हैं वो थोड़ी सुनेंगे, लातों के भूत होते हैं, तो लतखोरों की तो मतलब यहाँ हार निश्चित है, ठीक है ना। इसी के साथ जो है हम रीडिंग को एंड करते हैं, और बहुत अच्छी रीडिंग आई है। देखिए कर्मा देवता तो देखिए आ गए हैं, और कर्मा आपको मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, और आपको क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, हमें तो, हम सच बताएं ना, अब हमें कुछ पाने की उम्मीद रही नहीं है और हमें पाने की कुछ इच्छा भी नहीं रही है, ठीक है। बस हम अपनी मम्मी को खुश रखना चाहते हैं, हमारा एकमात्र लक्ष्य अपनी मम्मी को खुश रखना है, ठीक है। और जिन्होंने भी हमारा बुरा किया है, बस कर्मा देवता पे भरोसा है, बिलीव है हमें पूरा कि इस दुनिया को छोड़ने से पहले जो है हम कुछ लोगों के कर्मा इंसाफ होता हुआ अपने साथ देख कर जाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। मतलब जब भी आज कल परसों तरसों जब भी हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो एटलीस्ट हमें
इंसाफ और कर्मा देवता के दर्शन हो जाएं, इंसाफ को देख के हम खुशी खुशी अपनी आंखें बंद कर पाएं। अब आपके कमेंट आएंगे कि आप इतना नेगेटिव क्यों बोल रही हैं, तो देखिए ये नेगेटिव नहीं है, जाना सबको है कि एक दिन है ना, तो घबराना कैसा, जब जाना है ये तो एक सच्चाई है, जाना है ही है, तो आज जाएँ कल जाएँ परसों जाएँ, किसी की लाइफ की कोई गारंटी थोड़ी है। अब हम बोल रहे हैं तो क्या हम अभी चले जाएंगे तुरंत, ऐसा लगता है क्या? ये सब बचकानी मैसेजेस आते हैं ना आप लोगों के, तो थोड़ा हमें हंसी आता है कि आप लोग इतना क्यों डरते हो भाई, जाना तो सबको ही है ना, तो बोला है तो क्या हो गया, हमने बोल दिया तो इतना बुरा मानने वाली क्या ही बात है। खैर, फैक्ट फैक्ट होता है, रियलिटी में जीने की जो है, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आइए, हम तो आ गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे लोग जो है खुली आँखों से जो है सपनों की दुनिया से बाहर आए और चीज़ें उसी तरीके से देखें जैसी चीज़ें वाकई में हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं। और पॉडकास्ट भी हमने शुरू किया है, आई होप आपने देखा हो, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारा पॉडकास्ट भी देखिएगा। हमारे दिल से लिखी हुई हमने कुछ पोइट्री हैं जो हमने लिखी हैं खुद से, और खुद से बिल्कुल लिख के बिना एडिटिंग के, बिना किसी फिल्टर के, हमने वैसी ही उसको जो है आपके सामने पेश किया है, तो आई होप आपको पसंद आया हो। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड तो हम हैं ही तो चलिए, और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे। ठीक है, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, और डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। ठीक है, तो इसी के साथ लेते हैं हम आपसे विदा, तो अभी तक के लिए बस इतना ही, बाय।